Database Management System Introduction to the Relational Algebra. Okay, so before we start SQL language, ठीक है, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि हम डाटाबेस में एक्चुअल में टेबल क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ थियोरिटिकल टॉपिक्स होते हैं जिनको आपको कवर करना ज़रूरी है, सो दैट कि आपको पता चले एक्चुअल में जो परफॉर्म हो रहे हैं ऑपरेशंस वो किस तरह से हो रहे हैं, राइट. सो फर्स्ट जो है वो फर्स्ट टॉपिक है रिलेशनल एल्जेब्रा, नेक्स्ट है रिलेशनल कैलकुलस जो कि हम अलग वीडियो में करेंगे, ठीक है. रिलेशनल एल्जेब्रा क्या होता है, ये एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है. प्रोसीजरल मतलब कि प्रोसीजर होगा, राइट, मतलब एक प्रोसीजर फॉलो होगा, ठीक है. और क्वेरी लैंग्वेज मतलब क्योंकि सिक्वल की बात हो रही है, क्वेरी मतलब आप क्वेरीज देंगे, टेबल्स क्रिएट करेंगे, राइट. तो उसी को हम जो प्रोसीजर होगा वो ये है, ठीक है. जो सिक्वल होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है. तो यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग नहीं करने वाले, यहाँ पर हम जस्ट प्रोसीजर मतलब ये कम्प्लीटली आप कह देते हैं थ्योरी में एग्जिस्ट करता है, कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं होगा इसका, पर हम अंडरस्टैंडिंग के लिए इस टॉपिक को समझते हैं, राइट. ओके, सो इसमें क्या होता है, विच टेक्स अ रिलेशन एज इनपुट. रिलेशन मतलब एक टेबल को एज ए इनपुट लेते हैं, ठीक है, और जो आउटपुट आता है वो भी एक टेबल होती है. बट मेन वाइल क्या होता है कि कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, मतलब आपके पास एक टेबल है, आपने कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए और एक जनरेट किया नई टेबल एज ए आउटपुट. ओके, तो वो ऑपरेशंस कौन कौन से हो सकते हैं, दीज आर द ऑपरेशंस. दो टाइप के होते हैं, बेसिक ऑपरेशंस या फिर डेराइव्ड ऑपरेशंस. बेसिक ऑपरेशंस जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है. ये भी दो टाइप के होते हैं, यूनरी एंड बाइनरी. यूनरी मतलब कि एक सिंगल टेबल एग्जिस्ट कर रही है, मतलब एक सिंगल टेबल पर ही आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, राइट. वो ऑपरेशन कौन कौन से हो सकते हैं, सिलेक्ट ऑपरेशन जिसका सिंबल ये है, ठीक है, प्रोजेक्ट ऑपरेशन जिसका सिंबल ये है, रीनेम ऑपरेशन जिसका सिंबल ये है, राइट. तो ये क्या है, ये एक सिंगल टेबल पर परफॉर्म होगा और वही टेबल जो है एज अ आउटपुट आपको शो होगी, बट जो भी आपने ऑपरेशन किया उसके उसको जो भी परफॉर्म होगा ऑपरेशन उसके अकॉर्डिंग होगा, राइट. नेक्स्ट इज द बाइनरी. बाइनरी मीन्स आपके पास दो टेबल होंगी यहाँ पर, ठीक है, और दो टेबल पर ये मतलब एक्चुअल में कहने का मतलब क्या है, ये जो है एक सिंगल टेबल पर परफॉर्म हो सकता है, ये जो है ये दो टेबल पर परफॉर्म हो सकते हैं, ठीक है. नो डाउट ये ऑपरेशन भी हम एट द एंड दो टेबल के लिए यूज करेंगे, बट ये जब आपके पास दो टेबल पर जो ऑपरेशन परफॉर्म कर चुके हैं उसके बाद जो सिंगल आउटपुट आया है उस पर परफॉर्म होगा, ठीक है. तो कन्फ्यूज नहीं होना, ये हम दो टेबल के वहां पर भी ये ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, बट द थिंग इज जब दो टेबल में से एक फाइनल आउटपुट आ चुका होगा, मतलब ये हमेशा एक ही टेबल पर परफॉर्म होगा. ओके ओके, सो द नेक्स्ट इज बाइनरी ऑपरेशंस. बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं यूनियन, सेट डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है. ये थे बेसिक ऑपरेशंस. दूसरा टाइप होता है डेराइव्ड ऑपरेशन, मीन्स इन्हीं ऑपरेशन से कुछ हमने एक अलग टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं, मतलब इनका कॉम्बिनेशन है हम कह सकते हैं, ठीक है. और वो कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है, ज्वाइन ऑपरेशन होता है, ठीक है. ज्वाइन का सिंबल इस तरह से होता है, ठीक है. इनको भी डिटेल में हम करने वाले हैं, ठीक है. तो ज्वाइन का मतलब होता है कि सिलेक्शन और क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों ऑपरेशन का कॉम्बिनेशन को हम ज्वाइन कहते हैं, ठीक है. मतलब जब भी हम किसी दो टेबल को ज्वाइन करने वाले हैं तो यहाँ पर ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म होंगे. ओके, सेकेंड थिंग इज इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ कि दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है. कॉमन क्या है उसके लिए जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा a माइनस b, ठीक है. नेक्स्ट इज डिवीजन ऑपरेशन. डिवीजन ऑपरेशन में हम कौन सा प्रोजेक्शन करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और सेट डिफरेंस करेंगे, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है डिवीजन, ठीक है. तो ये आपको थोड़ा बेसिक क्लियर कर दिया मैंने यहाँ पर. हम वन बाय वन हर एक ऑपरेशन को लेंगे, अलग से वीडियो मैंने इनके लिए बनाऊंगी, ठीक है. ओके,